नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके, यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा SCS डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आते रहते हैं, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, और मैं इसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कंप्लीट करूंगा। और ये जो सारे आर्टिकल्स होते हैं वो आपके लीडिंग न्यूज़पेपर्स से लिए जाते हैं और जो भी गवर्नमेंट की लीडिंग वेबसाइट से वहां से, तो ये आपके सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फॉर UPSC और जो भी स्टेट की PCS की एग्जामिनेशन होती है और अदर एग्जामिनेशन जहां से भी करंट अफेयर्स को लिंक करके पूछा जाता है वहां के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आप लोग इसको सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करते हैं तो आप लोगों को इसका PDF भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे डिटेल्स पे जानकारी अर्जित कर सकते हैं और उसको ज्वाइन करके उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग टेलीग्राम की लिंक फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम का जो हमारा पेज है इसको जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग, है ना, फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट PDFs होती हैं वो आपको निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है और इंपॉर्टेंट जानकारी भी। तो आइए देखेंगे आज हम लोग की कौन कौन से टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम रैंकिंग देखेंगे देशों की जो ड्रग पॉलिसीज और उनके इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। दूसरा, यहां पर आपने ADR सुना होगा, ठीक है ना, तो ये ड्राफ्ट मीडिएशन बिल है, मध्यस्थता बिल है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, तो ये अपना सेकेंड टॉपिक है। तीसरा जो है गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के बारे में न्यूज है। उसके बाद असम ने यहां पर अप्रूव किया है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन से रूल थे तो उसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद हरियाणा का स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 का है उसको यहां पर कवर करेंगे। उसके बाद टेक्निकल टेक्सटाइल है, पहले भी आपने टफ्स को पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन रिस्क है आपका फॉर लेपर्ड्स इन नॉर्थ इंडिया, है ना, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इसको देखेंगे हम लोग, और यहां जो पहला टॉपिक है हमारा इसको GS पेपर 2 में रख सकते हैं आप, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन का हमारा यहां पर टॉपिक है ये। तो इसमें ये है कि रैंकिंग बताई जा रही है कंट्रीज की ड्रग पॉलिसीज और उसके इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड। अब देखिए, कोई भी जो इंडेक्स आता है अगर उसमें हम रैंकिंग देखते हैं तो उसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, संकेतक होते हैं, जो ये बताता है कि इन आयामों पर विभिन्न देशों की जो आपकी कार्य प्रणाली है या जो एग्जीक्यूशन है वो कैसा है, ठीक है। तो ये जो कंटेक्स्ट है इसका यहां पर इनॉग्रल किया गया ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का जो रिलीज करता है, तो कौन सी जो ऐसी संस्था है जो इसको रिलीज करती है, तो ये आपकी हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम है। अब इस इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा है कि जो इसमें डेटा दिया गया है वो किस आधार पर दिया गया है, तो ये आपका ग्लोबल एनालिसिस है ड्रग पॉलिसी और उनके इंप्लीमेंटेशन के संदर्भ में। COVID-19 का सीधा सीधा इशू है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो गया, और वैसे भी जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के समुचित विकास के लिए। हेल्थ एंड एजुकेशन जो है आपका वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप देखते होंगे कि जो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन है ना, या मानव संसाधन विकास, तो आप उसमें पढ़ते भी होंगे। यहां पर ये जो इंडेक्स तैयार किया गया है वो 5 जो है कॉम्प्रिहेंसिव डायमेंशन में चलने वाले 75 इंडिकेटर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक मेजर पार्ट हो गया आपका, व्यापक आयाम 5 हो गए, उसके अंदर इंडिकेटर 75 है, जिसमें जो व्यापक आयाम है उनको हम यहां पर देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्रिमिनल जस्टिस है इसमें, दूसरा एक्सट्रीम रिस्पॉन्स है, फिर उसके बाद स्वास्थ्य है, उसके बाद हार्म रिडक्शन, ठीक है, और इसके बाद यहां पर एक्सेस की बात की गई है, किसकी, पहुंच की बात की गई है, इंटरनेशनली कंट्रोल्ड मेडिसिंस एंड डेवलपमेंट। तो ये आप याद कर सकते हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसकी फाइंडिंग क्या है, तो देखिए रैंकिंग हमेशा मैं बोलता हूं कि स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज है, नॉर्वे है, फिनलैंड है ना, तो इनको आप देखेंगे तो ये हमेशा जो है यहां पर जो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड इंडिकेटर्स होते हैं वो बहुत इस पे इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। तो यहां पर भी टॉप 5 में नॉर्वे फर्स्ट में है, न्यूजीलैंड सेकंड में है, जो आपका पुर्तगाल है थर्ड में है, UK फोर्थ में, और ऑस्ट्रेलिया 5th में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की रैंकिंग है 46, कितने कंट्रीज में, तो 100 कंट्रीज में, और टॉप
जो है फाइव ये हो गया, बॉटम फाइव देखेंगे तो मैक्सिको, केनिया, इंडोनेशिया, युगांडा और ब्राजील है, ठीक है ना। तो ये आप देख जाइएगा, हमको इंडिया की रैंकिंग और टॉप मोस्ट कंट्रीज का पता होना चाहिए और जो आपका सबसे नीचे वाली जो देश है उनके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। नॉर्वे जो है इसमें ये टॉप मोस्ट है, इसका स्कोर जो है 74/100 है और सभी जो 30 देश है और जो डायमेंशन है उसमें जो एवरेज स्कोर है वो केवल 48 है 100 में, ठीक है। मूल्यांकन जो किया जाता है किसी भी देश को वो दवा नीति पर अपने स्कोर के बारे में जो है वो कैसा होना चाहिए इसमें ये बता रहे हैं। तो शुड फील गुड अबाउट देयर स्कोर ऑन ड्रग पॉलिसी है ना, जो असेसमेंट किया जाता है कंट्रीज के संदर्भ में बता रहे हैं। नन ऑफ द कंट्रीज असेस शुड फील गुड अबाउट देयर स्कोर ऑन ड्रग पॉलिसी बिकॉज नो कंट्री हैज रीच्ड अ परफेक्ट स्कोर। तो सीधी बात है, आप करप्शन का इंडेक्स देख लो, कोई भी इंडेक्स, इसमें परफेक्ट स्कोर 100/100 कहीं नहीं दिखाई देता है ना। तो यहां पर फाइव जो लोवेस्ट रैंकिंग कंट्रीज है वो अपन ने नाम देख लिया है और इंडिया की रैंकिंग भी देख ली है, वही यहां पर बताया जा रहा है। इसके बाद इंडिया का स्कोर देखे तो 46/100 है ना। और यहां पर जो क्राइटेरिया है ना वो यूज किया गया है, जो आपका एक्सट्रीम सेंटेंसिंग एंड रिस्पॉन्स, इट हैज अ स्कोर 63 है वहां पर स्कोर। हेल्थ और हार्म रिडक्शन में 49/100 है। अगर प्रोपोर्शनल देखे वहां पर है ना, अनुपातिक जो आपका संदर्भ है, तो प्रोपोर्शनलिटी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस रिस्पॉन्स 38/100 है, ठीक है। और यहां पर अवेलेबिलिटी और एक्सेस की बात करें, किसकी, अंतरराष्ट्रीय जो आपका इंटरनेशनली कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस है फॉर द रिलीफ ऑफ पेन एंड सफरिंग, तो वो 33/100 है। बहुत ज्यादा कंटेक्चुअल चीजों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर आर्टिकल है, ये आपका फिर से जीएस पेपर 2 का जो है आपका टॉपिक हो गया है ना, जो न्याय प्रणाली देखते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखते हैं हम। तो यहां पर ड्राफ्ट किया गया है मीडिएशन बिल इशूड फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, ठीक है ना। तो पब्लिक कंसल्टेशन के लिए इस ड्राफ्ट मीडिएशन बिल को अब इशू कर दिया है सरकार ने। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने यहां पर ये इनिशिएटिव लिया है, किसको, प्रमोट करने के लिए, बहुत सारी पॉलिसीज बना रखी है प्रमोट करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए। एडीआर इसको बोलते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इसका मतलब है वैकल्पिक विवाद समाधान। जैसे हम कोर्ट जाते हैं तो एक हायरार्की है ना, एक सिस्टम बना हुआ है, बहुत टाइम लगता है तो बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं। तो ये भी बोलते हैं कि बहुत ज्यादा देर में अगर न्याय मिलता है तो वो भी एक तरीके का अन्याय है। तो भैया कुछ और भी तरीके निकाले, जैसे आप लोक अदालत सुनते हैं है ना, मध्यस्थता वाली चीज, तो यहां पर मध्यस्थता में फोकस किया जा रहा है। तो जो भी एग्जिस्टिंग लॉज है और उनका जो इनएक्टमेंट है, ठीक है, तो उनको किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए, डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व किया जाए, ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम से कैसे बाहर आया जाए, तो उस संदर्भ में ये एक इनोवेशन है। तो एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सरसाइज ब्रिंगिंग अ स्टैंड अलोन लॉ ऑन मीडिएशन इज अंडर कंसिडरेशन। तो यहां पर फोकस कहां पर, मध्यस्थता पर है ना, दोनों पक्षों के बीच में, जो दो पक्षों के बीच में ही विवाद होगा तो उनके बीच में अगर वो आपस में मिलकर किसी मीडिएटर के थ्रू वहां पर मध्यस्थता कर लेते हैं तो न्याय जो है जल्दी मिल सकता है, सुलह हो सकती है। अब इस विधेयक की आवश्यकता क्या थी है ना, इसका निहितार्थ देखेंगे, क्या ऐसी जो हमारी आवश्यकताएं थी जिसके संदर्भ में हम इस विधेयक को ला रहे। तो सिंस द लॉज ऑन मीडिएशन आर contained in several enactments including rules and regulation, सीधी बात है कि जो मध्यस्थता है, जो भी कानून संदर्भी उनके संदर्भ में जो भी नियम है, विनियम है, ठीक है, तो वो कई एक्ट्स में क्या है, ऑलरेडी एम्बेडेड है। इसलिए ये माना जा रहा है कि मध्यस्थता पर जो वैधानिक रूपरेखा है उसको अब मूर्त रूप दिया जाए, निर्धारित किया जाए और मौजूदा जो रूल्स है उसमें अमेंडमेंट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून पेश किया जाए। किसके संदर्भ में, मध्यस्थता के संदर्भ में। अब सुलह एक हो गया आपका सुलह जिसको कॉन्सिलेशन बोलते हैं और एक आपका मेडिएशन हो गया जिसको मध्यस्थता बोलते हैं। तो ये शब्द एक दूसरे के स्थान पर जो यूज किए जाते हैं तो उसके संदर्भ में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है तो उस पर विचार किया जा रहा है कि इस पर हम इंडिया में भी उस तरीके के अमेंडमेंट करके उस लॉ को इनैक्ट करें। अब भारत ने क्या किया है, सिंगापुर मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर किया। अब आप ये याद रखिए कि जो ये सिंगापुर कन्वेंशन की बात कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, मीडिएशन से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे लिए, डायरेक्टली पूछते हैं। जैसे आपका वुमेन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया, बताइएगा, बीजिंग डिक्लेरेशन प्रीलिम्स में पूछा गया क्या यूपीएससी में कभी, किस ईयर में पूछा गया, बताइएगा। ऐसे ये भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी कोट कर सकते हैं हम इसको। तो जो भी ये घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के जो होते हैं उन पर मीडिएशन पर एक कानून बनाना जो है अपरिहार्य हो गया था, वांछनीय है, इसलिए इस पर आवश्यकता है कि विधेयक लाके उसको कानून का रूप दिया जाए। अब इस बिल के कुछ फीचर्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो ड्राफ्ट किया जा रहा है, बिल प्रपोज किया जा रहा है, अब बताइएगा जो बिल पेश किया जाता है, ठीक है, तो बिल कितने टाइप के होते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर ये बताइएगा कि जो मनी बिल होता है वो किस आर्टिकल में है और मनी बिल जो है वो केवल
लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। फिर बिल अगर आता है तो उसमें राष्ट्रपति जब अंतिम सहमति देंगे तब वो कानून बनेगा। तो कानून में सहमति और सहमति ना देने की जो शक्ति है जिसको वीटो बोलते हैं वो किस आर्टिकल में? 111 में। तो आप एक बार इसको रिवाइज कर जाइए, ठीक है। तो जो ड्राफ्ट बिल है उसमें क्या बात किया जा रहा है, प्रपोज किया गया प्री लिटिगेशन मीडिएशन। अब लिटिगेशन ही करवाना हो अगर तो वो सेम ट्रेडिशनल पार्ट हो जाएगा, ट्रेडिशनल तरीका हो जाएगा, परंपरागत तरीका हो जाएगा। तो भैया प्री लिटिगेशन लाइक प्रिवेंटिव, ठीक है ना, किससे प्रिवेंटिव, उस प्रणाली से बचने की चीज है ये। इसमें समय भी बचता है, ऊर्जा भी बचती है, न्याय भी जो है त्वरित रूप से प्रदान किया जाता है जो एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के संदर्भ में निहित है। एंड एट द सेम टाइम सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द लिटिगेंट्स टू अप्रोच द कंपिटेंट एडजुडिकेटरी, जो लिखा है फोरम्स कोर्ट्स इन केस एन अर्जेंट रिलीफ इज सॉट। सीधी बात है कि जो भी वादी है उनके हितों की रक्षा की व्यवस्था भी इसमें सम्मिलित की गई है और तत्काल राहत के लिए सक्षम न्यायिक अदालतों के समक्ष जो है इस तरीके का विकल्प वैकल्पिक समाधान ढूंढा जा रहा है ना। तो इसमें फोकस मध्यस्थता पे है। अब जो सक्सेसफुल आउटकम है आपका मीडिएशन का उसमें भी फोकस है इसमें, जिसको किस तरीके से किया जाएगा, किस फॉर्म में, एमएसए के मीडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट हैज बीन मेड इनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो कानून के द्वारा उसको क्या किया जाएगा, उसके सफल परिणाम को मूर्त रूप देने के लिए उसको लागू किया जाएगा। और जब से मध्यस्थता समाधान जो है जब से आया है भारत में, तो इसके संदर्भ में क्या है कि समझौता जो है दो पक्ष है, विवाद दो ही पक्ष के बीच में होगा। तो भैया इन दोनों के बीच आपसी सहमति से जो है उसके समझौते से यह बाहर है, इसलिए सीमित आधार पर इसे चुनौती देने की भी अनुमति दी गई है कि भैया सीमित आधार पर लिमिटेड ग्राउंड पर इसको चैलेंज भी किया जा सकता है फिर अपर कोर्ट्स में, ठीक है ना, कि क्योंकि जो मीडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट है इज आउट ऑफ द कंसेंशुअल जो एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टीज। नॉर्मल सी चीज है, देख जाइएगा। इसके बाद जो मीडिएशन प्रोसेस है वो प्रोटेक्ट करेगा और कॉन्फिडेंटली ऑफ द मीडिएशन अंडरटेकन एंड प्रोवाइड्स फॉर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की बात आ गई इन सर्टेन केसेस अगेंस्ट इट्स डिस्क्लोजर, है ना, इम्यूनिटी की बात आ गई, प्रतिरक्षा है एक तरीके की, वो तो उस तरीके की सुरक्षा प्रदान की गई है, ठीक है ना, और उसमें गोपनीयता की भी रक्षा की गई है, ठीक। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है मीडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट का हैज आल्सो बीन प्रोवाइडेड फॉर विद स्टेट स्लैश डिस्ट्रिक्ट स्लैश तालुक। तो पूरा का पूरा हायरार्की, जैसे आप देखते हैं सेंटर है, स्टेट है, फिर डिस्ट्रिक्ट है ना, फिर अर्बन लोकल बॉडीज है, फिर उसके बाद आपका PRI। तो ऐसे ही तो हर जगह हायरार्की बनाते हैं, तो ये कोर्ट्स की हायरार्की में। तो विद इन 90 डेज टू इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ द सेटलमेंट सो अराइव। तो भैया यहां पर 90 दिनों का प्रावधान भी है, उसके अंतर्गत जो है यहां पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी मीडिएशन के अंतर्गत। तो कितने दिन का प्रावधान है, 90 डेज का, ये याद रखिए आप। इसके बाद इस यहां पर क्या उपलब्ध कराएगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि एक निकाय की तो आवश्यकता पड़ती है ना, किसी भी संदर्भ में किसी भी कानून को अगर लागू कर रहे हैं तो उसको रिव्यू करने के लिए, उसको देखने के लिए किसी निकाय की आवश्यकता पड़ती है, तो यहां पर इसका प्रावधान किया जाएगा। इसके बाद यहां पर कम्युनिटी मीडिएशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करके अपने नोट्स में एम्बेडेड कर लीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहां पर, यह गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव है, ठीक है ना, तो कॉन्टेक्चुअल पार्ट है, यह तीसरा एडिशन है इसका 2021, और यह आपका नवंबर में 7-9 के बीच में किसके, नेवल वॉर कॉलेज जो गोवा का है उसके उसके तत्वाधान में इसको आयोजित किया जा रहा है। अब जीएमसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि है क्या। तो जीएमसी जो है आपका इंडियन नेवी आउटरीच इनिशिएटिव है, ये प्रोवाइड करता है मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म टू हार्नेस द कलेक्टिव विजडम ऑफ प्रैक्टिशनर्स ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो भैया मुद्दा आ गया मैरीटाइम सिक्योरिटी का। अब बताइए सिक्योरिटी जो है आपका वो सीधा सीधा आपके सिलेबस से लिंक हो रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें अगर हम तो, ठीक है ना, तो ये आपका जीएस पेपर 2 और 3 दोनों में पूछ सकते हैं इसको, ये याद रखिएगा, है ना। नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है आपका, है ना, क्योंकि आप देखेंगे जो ताज में हमला हुआ था हमारे यहां वो कहां से हुआ था, मैरीटाइम रूट से हुआ था। एंड द अकेडमिया टुवर्ड्स गार्नरिंग आउटकम ओरिएंटेड मैरीटाइम थॉट, ठीक है। तो इसके बाद यहां पर देखेंगे जीएमसी 21 जो है वो आपका वुड बिल्ड अपॉन द वर्किंग लेवल डेलिबरेशन की बात कर रहे हैं ऑफ द गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम 21 हेल्ड अर्लियर इन मे दिस ईयर एज द शेरपा इवेंट फॉर द कॉन्क्लेव। कॉन्टेक्चुअल जानकारी है। इसके बाद जो इसकी थीम है इस साल की इस एडिशन की वो क्या है, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड एमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। तो भैया जो नॉन ट्रेडिशनल आपके थ्रेट्स है उससे कैसे हम अपने देश की सुरक्षा करेंगे मैरीटाइम समुद्री संदर्भों में, है ना, समुद्री मार्ग के संदर्भ में, वो आपका यहां पर क्या है,
ये आपका थीम है, अ केस फॉर प्रोएक्टिव रोल फॉर इंडियन ओशियन रीजन नेवीज। अब जो इंडियन ओशियन रीजन है इसी पे पूरा वर्ल्ड यहां पर फोकस है, चाहे संसाधन देखिए तो संसाधनों पर ही तो ज्यादा से ज्यादा अधिकार या प्रभुत्व बनाए रखने के लिए, आप चाइना का विवाद देखिए, यूएस है ना, यूएसएसआर जो आपका रशिया है, इंडिया है, तो ये सारी की सारी डिबेट देखते होंगे आप मालाबार एक्सरसाइज वगैरह है ना, तो आप उससे लिंक कर सकते हैं इसको। इसके बाद आप देखेंगे कि जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है तो कौन कौन सी, ये जानने की जरूरत है, बांग्लादेश है, कोमोरोस है, इंडोनेशिया है, मडागास्कर है, मलेशिया है, मालदीव्स है, मॉरिशस है, श्रीलंका है, सिंगापुर है, सेशल्स, थाईलैंड और म्यांमार भी है। और यहां पर क्या चर्चा होगी तो भैया हाइड्रोग्राफी के डोमेन में और मैरीटाइम इंफॉर्मेशन किस तरीके से साझा किया जाए, क्योंकि जब सूचना प्राप्त होगी तभी तो उसके हिसाब से हम फिर सुरक्षा के आयामों को मूर्त रूप दे सकेंगे। यहां पर जो विजिटर्स थे शैल ऑल्सो विटनेस द मेक इन इंडिया एग्जीबिशन। अब देखिए हर जगह मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, क्यों? क्योंकि हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करके जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है जहां पर लैक करती है जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इकोनॉमी की उसको एड्रेस करना है। एंड द कैपेबिलिटीज ऑफ डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल फॉर सबमरीन एट द मार्मो गोवा पोर्ट ट्रस्ट गोवा। तो अब ये कहां पर है ये पोर्ट ट्रस्ट, तो नाम से भी समझ में आ रहा है आपको, गोवा में है, कंटेक्चुअल पार्ट है। द जीएमसी एम्स टू ब्रिंग टूगेदर, क्या है एम, कि साथ में एक ही प्लेटफॉर्म में जो रीजनल स्टेक होल्डर्स हैं, जो क्षेत्र के संदर्भ में, देखिए आप मैप में देखेंगे तो आपको सब आसपास दिखाई दे रहा है, तो किस तरीके से स्ट्रैटेजीज को बना के इंप्लीमेंट किया जाए और डील किया जाए जो भी कंटेम्पररी समकालीन आपके समुद्री सुरक्षा की चुनौतियां हैं, तो उसको निपटने के लिए सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, सूचना साझा करें और एक दूसरे के साथ बैठ के फिर उसका सॉल्यूशन निकालें, ठीक है ना। तो डेटा वैसे भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है किसी भी कानून को बनाने या किसी भी नीति को बनाने के लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा न्यूज है, यहां पर इंडस्ट्रियल रिलेशन औद्योगिक संदर्भ है, तो जीएस पेपर थर्ड में आप देखते होंगे यहां पर ये स्टेट के संदर्भ में कि भैया असम में अभी इंडस्ट्रियल रिलेशन रूल को अप्रूव किया गया है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो अभी नवंबर 4 को यहां पर असम कैबिनेट ने अप्रूव किया है ये जो रूल से 2021 के औद्योगिक संदर्भ से रिलेटेड और औद्योगिक संबंध से रिलेटेड विद द एम ऑफ सेफगार्डिंग, सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसके राइट्स, तो भैया दो ही लोग होते हैं, एक एम्प्लॉयर्स होते हैं और एक एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है ना, और एक आपके मालिक हो गए। तो औद्योगिक संगठन किसके बीच में होते हैं, मार्क्स को पढ़ा आपने, वहां पर क्या है, मजदूर जो वहां रोजगार प्राप्त करते हैं उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए, वहां पर उनका अहित ना हो जाए, क्योंकि जो उद्योग के मालिक हैं है ना उनके इंटरेस्ट हैं तो इनके भी इंटरेस्ट हैं, तो इनको किस तरीके से सेफगार्ड दिया जाए, क्या ये आपका सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं, क्या ये आपका वेलफेयर जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 39 बीसी उसको आप यहां पर नहीं कोट कर सकते हैं, वही सब चीजें इंप्लीमेंट किया जा रहा है स्टेट के द्वारा। स्टेट मतलब राज्य भी है और पॉलिटिकल साइंस में इसको देश बोला जाता है, स्टेट का मतलब पॉलिटिकल एंटिटी जो है आपकी वो देश के संदर्भ में यूज किया जाता है, लेकिन ये हमारे यहां राज्य से संदर्भित है। अब इसकी कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं कि कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अब इसका उद्देश्य क्या होगा, सीधी बात है कि इसमें जो आपकी श्रम संहिताएं हैं, मतलब क्या है आपका जो इंडस्ट्रियल रिलेशन रूल्स हैं, उनको कंपाइन करके सिंप्लीफाई करके रैशनलाइज किया जाए और फिर जो तीन आपके कोर लेबर कोड्स हैं उनको रैशनलाइज करके, बोलते हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कानून हैं तो एक ही चीज के लिए बहुत सारे कानून हैं तो क्लिष्टता आती है, तो उसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है एक तरीके का ये, ठीक है, कंबाइन करें उसको तार्किक आधार पर जो है उसका अवलोकन करें जो तीन कोर लेबर कोड्स है उनके संदर्भ में और फिर डील करें किसको, औद्योगिक संदर्भ जो है, औद्योगिक संबंध जो है उसको सुधारा जाए। यहां पर कैबिनेट ने और भी यहां पर ऑथराइज किया है असम माइग्रेंट वर्कर्स के लिए फूड सिक्योरिटी स्कीम विच विल ऑफर ड्राई राशन्स टू माइग्रेंट वर्कर्स। बिल्कुल सही बात है, यहां पर ड्राई राशन्स की बात की जा रही है माइग्रेंट वर्कर्स, क्योंकि सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं जो माइग्रेट होकर वर्कर्स जाते हैं, तो उनको सोशल सिक्योरिटी, उनका वेलफेयर कौन देखेगा, राज्य देखेगा, ये राज्य का कर्तव्य है, तो उसी संदर्भ में आप इसको रख सकते हैं। और यहां पर डेटा जो है माइग्रेंट वर्कर्स का वो एक्सेसिबल है ऑन द ई श्रम पोर्टल, ई श्रम जो पोर्टल है वहां से डेटा को एक्सेस कर लेंगे। एंड अदर रिसोर्सेज विल बी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट राशन टू देम अंडर दिस प्लान। तो भैया फूड सिक्योरिटी है ना, खाद्य सुरक्षा प्रदान करना राज्य का काम है, तो वहां से डेटा मिल जाएगा, तो जो भी प्रवासी श्रमिक है तो फिर उनको राशन वगैरह उपलब्ध कराया जाएगा राशन कार्ड के द्वारा। अब इसके बाद यहां पर मैप दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट की पूरी जो ज्योग्राफिकल जो एरिया है हमको याद होना चाहिए, पहाड़ी नदियां हमेशा जो है ब्रह्मपुत्र की कभी सहायक नदी से बन जाएगा, कभी किसी नदी से बन जाएगा, क्योंकि वे वैसे भी न्यूज में रहता है चाइना के कारण ये एरिया, ठीक है ना, तो आप इसको देख जाइएगा एक बार मैप में। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर पॉइंट है कि असम जो कैबिनेट है उसने ऑथराइज किया है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कामरूप को, है ना, जो आपका मेट्रो है और कामरूप जो रूरल है, फॉर ग्रांटिंग परमिशन टू ट्रांसफर लैंड, मतलब लैंड के ट्रांसफर के लिए इन प्रोटेक्टेड एरियाज, क्योंकि फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के अंदर यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, आप लोगों को पता होगा,
ठीक है ना, जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, तो वहां पर जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं और जो ब्लॉक्स हैं विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। प्रोविजन जो है इसमें पैरा जो 17.5 है वो लैंड पॉलिसी 2019 है उसको रिमूव किया गया है, और इस प्रोविजन के अंतर्गत जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या फिर वहां का डेप्यूटी कमिश्नर जो है विल अलॉट लैंड टू जो स्थानिक वहां के लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है आफ्टर रिसीविंग देयर एप्लीकेशन, तो उनकी जब एप्लीकेशन आएगी तो उनको वो भूमि आवंटित किया जाएगा। अब मिशन वसुंधरा जो है, अब ये किस स्टेट गवर्नमेंट का है, ये सीधा एक क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। तो जो राज्य सरकार है उसने लॉन्च किया है, क्या कौन सी राज्य सरकार, असम की, मिशन वसुंधरा। और इस पोर्टल पे कन्वर्जन भी देखा जाएगा ऑफ अलॉटमेंट सर्टिफिकेट टू पीरियोडिक पट्टा वॉस इंक्लूडेड एज अ सर्विस। तो एज अ सर्विस मतलब सेवा के रूप में जो आवधिक पट्टा है, पट्टे में परिवर्तन है, उसको शामिल किया गया है। कैबिनेट ने अलाउ किया है यहां पर कन्वर्जन ऑफ अलॉटमेंट, कौन सा सर्टिफिकेट, पीरियोडिक पट्टा इन रूरल एरियाज विद इन 3 ईयर्स ऑफ अलॉटमेंट। तो 3 ईयर के जो आपका 3 वर्ष का, ठीक है ना, 3 वर्ष के आवंटन के लिए प्रमाण पत्र को जो है वहां पर क्या किया गया है, उसको जो है वहां पर क्रियान्वित किया जाएगा, उसको इस तरीके से उसमें बदलाव करने की अनुमति दी गई है। इसके बाद ये जो 3 इयर्स के अलॉटमेंट की बात है उसमें जो कैबिनेट अप्रूव किया है उसने कन्वर्जन ऑफ अलॉटमेंट सर्टिफिकेट टू पीरियोडिक पट्टा इन रूरल रीजन्स, तो रूरल रीजन्स में भी उसको जो है ग्रामीण क्षेत्र में भी अनुमति दी गई है। इसके बाद राज्य सरकार ने यह भी निर्धारित किया है कि जो राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेज है उसमें स्पेशल सीट्स को रखा जाएगा, किस क्षेत्र के लिए, ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी। अब क्या बराक रिवर है, बताइएगा, ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, तो यहां पर जो चाय बागान कम्युनिटी के जो छात्र हैं उनके लिए 2 क्षेत्रों के बीच रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो आप पढ़ते हैं अनुपातिक रूप से भी उनको वहां पर अलॉटमेंट किया जाएगा, सीट का आवंटन वहां पर किया जाएगा अनुपात के आधार पर, ठीक है ना, इस समुदाय के। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है यहां पर उसमें यह बताया जा रहा है कि जो हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट है लोकल कैंडिडेट्स के लिए उसके संदर्भ में एक एक्ट लाया गया है अभी 2020 का, उसके संदर्भ में यह आपका आर्टिकल है। अब देखिए यहां पर गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि जो लॉ है ये आपका वो प्रोवाइड करेगा 75% रिजर्वेशन। देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना, कि 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकल्स को प्राइवेट सेक्टर जॉब में, और ये आपका 15 जनवरी 2022 से अपने अस्तित्व में आ जाएगा, फोर्स में आ जाएगा, है ना। अब इस लॉ के बारे में देख लेते हैं, तो भैया अगर कोई फर्म है और उसमें 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉई है तो वो रिजर्व कर सकता है 75% जो भी जॉब होगी, ठीक है ना, तो वो ऑफर कर सकता है सैलरी ऑफ लेस देन 30,000, मतलब 30,000 से कम सैलरी होनी चाहिए, है ना, और 10 या 10 से ज्यादा वहां पर कौन हो चाहिए, कर्मचारी। तो ऐसी जो कंपनी है वो पात्र उम्मीदवारों को क्या करेगी, जो नौकरी देगी उसमें 75% का क्या है, रिजर्वेशन भी देगी, ये कंपलसरी कर दिया जाएगा। अब ये जो मूव लिया जा रहा है, ये जो कदम उठाया जा रहा है आपका, अब ये समझिएगा कि भाई कोई भी कानून लाया जाता है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, उद्देश्य होगा, तो क्या है, तो जो आईटी और जो आईटी सक्षम जो भी सर्विसेज है उसमें क्या किया जाएगा, रीजन वाइज, मतलब ऐसे जो आपके सेक्टर है उसमें देश के अन्य हिस्सों से भी प्रतिभाओं की आमद को रोकना है जिनकी राज्य के पास पर्याप्त कैप्टिव आपूर्ति नहीं है, ठीक है ना, तो अपने राज्य का जो है, राज्य के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार जो है वहां पर क्या करना, मुहैया कराना, ऐसा उद्देश्य इसका आप समझ सकते हैं। इसके बाद जो ये लॉ है ये एप्लीकेबल है कितने सालों के लिए, तो 10 सालों के लिए। स्टेट गवर्नमेंट ने यहां पर और भी रिलैक्सेशन दिया है डोमिसाइल रिक्वायरमेंट के लिए, जो रेसिडेंसी के लिए लगता है, फ्रॉम 15 to 5 years किसी भी व्यक्ति के लिए जो आपका बोनाफाइड रेसिडेंट सर्टिफिकेट स्टेट के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा विद सम फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्राइवेट कंपनीज इन हायरिंग। तो जो हायरिंग है उसमें इस तरीके का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, इस तरीके का लचीलापन, इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी वहां पर किया गया है, है ना, कि निवास की आवश्यकता को 15 से रिलैक्स करके 5 वर्ष वहां पर कर दिया गया है, ठीक है ना, जो भी आपकी प्राइवेट कंपनीज में वहां पर लोग काम करेंगे। इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल दीज इंप्लॉयर्स टू रजिस्टर ऑल देयर इंप्लॉयज ड्रॉइंग ग्रॉस मंथली सैलरी और वेजेस नॉट मोर देन ₹30,000, है ना, 30,000 का एक बैंड है, अपर लिमिट है, ऑन द डेजिग्नेटेड पोर्टल अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपकी लेबर डिपार्टमेंट, कौन सी, हरियाणा की। अब ये जो रीजन क्या है इसके पीछे, इस लॉ को इनैक्ट करने का, तो सीधी बात है, उद्योगों की जो प्रगति हो रही है और जो अर्थव्यवस्था है उसके बीच में यहां पर बैलेंस बनाने के साथ साथ उद्योगों के साथ साथ जो युवा है, अब युवा जो है हमारे, हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, जनांकी की लाभांश की, तो उसी को मोबिलाइज करने के लिए उस जो है इन तीनों
डोमेन के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए, यहां पर बैलेंस स्थापित करने के लिए यह जो है कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। अब इससे कॉन्सर्न क्या है, तो सीधी बात है कि पॉपुलिस्ट अप्रोच डेमोक्रेसी में, पॉपुलिस्ट जो अप्रोच जब वोट बैंक पॉलिसीज के संदर्भ में यूज किया जाता है तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट ही देखे जाते हैं। तो ये मौजूदा जो उद्योग है उनको लगाने के लिए जो उद्योगपति है वो इनसे प्रभावित हो सकते हैं। इसके बाद जो एमएनसीज वगैरह हैं वो यहां से बाहर निकल सकते हैं, अभी एनालिसिस का पार्ट है। उसके बाद अगर आप हर जगह रिजर्वेशन कर देंगे तो वहां पर कंपटीशन को वो नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है, ऋणात्मक प्रभाव वहां पर वो आरोपित कर सकता है। ट्रिगर एंड एक्सोडस ऑफ लार्ज डोमेस्टिक एंड मल्टीनेशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा उसको देखेंगे। यहां पर जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ये आपका टेक्निकल टेक्सटाइल है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो सेक्टर है यहां पर मोर देन 40% लगभग 40% जो हमारा जो क्या है एफडीआई वगैरह है ना वो यहां से हम मोबिलाइज करते हैं, है ना। और ये आपका कैसा क्षेत्रक है टेक्सटाइल का, आप समझिए कि जैसे आईटी सेक्टर है तो वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है ना, तो वहां पर क्या है वहां पर रोजगार बहुत ज्यादा लोगों को नहीं दिया जाता है ना, लेकिन ये क्या है आपका ये रोजगार यहां पर ज्यादा प्राप्त होता है लोगों को। ये सीधा क्वेश्चन फ्रेम किया है मेंस में यूपीएससी ने 2017 में शायद किया है, आप लोग देख जाइएगा उसको। तो यहां पर समझिएगा टप्स वगैरह की चर्चा पहले भी की जा चुकी है ना, पावर भी होती है, हैंडलूम भी होता है मतलब हाथ से चलाने वाला भी होता है आपका इसमें, और पावर एनर्जी से चलाने वाली भी टेक्सटाइल आप देखते हैं। तो यहां पर कंटेक्स्ट क्या है, तो जो हमारे संघ के मंत्री हैं पीयूष गोयल जी उन्होंने बोला है कि ये ऐसा टाइम आ गया है ना कि सेट किया जाए टारगेट को, हैज कम टू टारगेट अ 5 times इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल इन 3 years, क्योंकि अब वो वक्त है कि रिवाइव करना है इकोनॉमी को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना है। हमारे यहां डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज्यादा है, बहुत सारे युवाओं की जनसंख्या, अगर उनको सही मार्ग में नहीं लगाया गया तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसे समझिएगा। अब इसके जो की पॉइंट्स हैं ये क्या है कि ये जो हमारे मंत्री यहां पर बात कर रहे हैं तो वो ये बोल रहे हैं, यहां पर जो बात किया उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल एसोसिएशन इन दिल्ली, ठीक है ना, तो वहां पर ये संबोधन कर रहे थे वाणिज्य मंत्री जो हैं। तो सेंटर वुड सपोर्ट पीएलआईज मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि भैया आप प्रोडक्शन करोगे तो वहां पर आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्षेत्र में संलग्न होंगे, है ना। फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर इन स्टेट सपोर्टिंग द डेवलपमेंट एंड ऑफरिंग अफोर्डेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल वहनीय अवसंरचना, तभी तो लोग आके उस तरीके की इंडस्ट्रीज में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है ना। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं ताकि वो चीप लैंड और पावर प्रोवाइड करे, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगाए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो तो उससे हम ज्यादा से ज्यादा निर्यात करें तो हमारे पास क्या हो, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो आपका क्या हो, पॉजिटिव हो, और वहां से हमारी इनकम होगी तो हम उसको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे देश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सकेगा। अब यहां पर गोयल जो है उन्होंने गोयल जी जो है मंत्री जी उन्होंने और भी सजेशंस दिए हैं कि अलाइन किया जाए विद द बेस्ट स्टैंडर्ड्स, मतलब मानक के संदर्भ में बात कर रहे हैं जो भी आपका विनिर्माण क्षेत्र है टेक्सटाइल का, सो दैट देयर इज नो डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ टेक्सटाइल मीन फॉर इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक कंज्यूमर। तो जो ये कंज्यूमर है चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, फिर उनमें एक रूपता लाए स्टैंडर्ड्स में ताकि क्वालिटी मेंटेन किया जा सके। यहां पर मंत्री जी ने यह भी सजेशन दिया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन किया जाए ताकि प्राइवेट एंटिटी भी आगे आए तो इन्वेस्टर्स भी आगे आए तो वहां पर फंड भी आए, है ना, इन द यूज ऑफ गवर्नमेंट फंड्स इन R&D इन टेक्निकल टेक्सटाइल। तो R&D में सबसे ज्यादा जो है फंड की आवश्यकता पड़ती है, तो यहां पर भी वो आमंत्रित कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी किया जाए पब्लिक के साथ, मतलब सार्वजनिक निजी भागीदारी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर पॉइंट है इस संदर्भ में जो भी गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं, तो जनवरी 2019 में गवर्नमेंट ने इशू किया था 207 जो आपके कोर्स है HSN से रिलेटेड, और 2 साल से भी कम समय में भारतीय तकनीकी वस्त्रों का शुद्ध निर्यातक भी भारत बन चुका है। इट ऑल्सो अनवील्ड द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन इन फरवरी लास्ट ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज मैनी एज 92 टेक्निकल टेक्सटाइल आइटम्स हैव बीन मेड मैंडेटरी फॉर यूज ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया जब मैंडेटरी कर दिया हमने कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पर जो है इनको यूज करना है, अब समझिएगा अगर ऐसा करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी करनी पड़ेगी, तो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को लोग सेटअप करेंगे, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके अंतर्गत एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, हाईवेज है, रेलवेज है, वाटर रिसोर्स है और मेडिकल एप्लीकेशन है। निहितार्थ समझना जरूरी है, रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। टेक्निकल टेक्सटाइल होता क्या है, तो भैया ये आपके फंक्शनल फैब्रिक्स होते हैं,
दैट हैव एप्लीकेशंस अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज. इनकी जो उपयोगिता बहुत सारी उद्योगों में देखा जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल है, एग्रीकल्चर है, सिविल इंजीनियरिंग है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है ना, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डायमेंशन वहां भी इसका यूज करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन में भी करते हैं, कंस्ट्रक्शन में भी करते हैं, और भी आयाम है आपके. अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं. ये जो आपका मिशन है, जो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, तो इसमें जो हमारी CCEA है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने अप्रूव किया था सेटअप करने के लिए ये जो आपकी मिशन है. कितने फंड से? तो 1480 करोड़ का फंड आवंटित करके इसको अप्रूव किया, मंजूरी दे दी थी, ठीक है ना, 2020 में. अब इसका एम क्या है? तो जो पोजीशन है हमारे देश की एज अ ग्लोबल लीडर, उसको सुनिश्चित करना, एज अ ग्लोबल लीडर, वैश्विक नेतृत्व के रूप में भारत को स्थापित करना टेक्निकल टेक्सटाइल और इनके संदर्भ में, और इंक्रीज करना टेक्निकल टेक्सटाइल के यूज को डोमेस्टिक मार्केट में भी. फॉरेन मार्केट में हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट, वो ठीक है, लेकिन हमारे यहां भी तो बहुत बड़ा मार्केट है. भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है. जनसंख्या ज्यादा होने से अगर नुकसान है, तो हर चीज के अगर नुकसान किसी चीज के होते हैं तो फायदे भी होते हैं. हमारे यहां इतना बड़ा मार्केट है, यहां भी कंजम्पशन होगा तो भी, तो हमारे यहां अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई को सेटअप करने के लिए, सप्लाई को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी, पूरे का पूरा इकोनॉमिक साइकिल को वहां पर मोबिलाइज करना पड़ेगा, है ना, इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा, वहां पर लोग काम करेंगे, फिर वो वहां पर स्पेंड करेंगे, तो इस तरीके से पूरे इकोनॉमी का क्या चलता है, साइकिल चलता है. इस मिशन का जो एम है वो क्या है? टेकिंग डोमेस्टिक मार्केट साइज इज $40 billion टू $50 billion बाय 2024. ये आप याद रख सकते हैं. इसके बाद यहां पर मिशन डायरेक्टरेट जो है वो विल बी ऑपरेशनल इन द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. तो भैया इसी के अंतर्गत जो है, कपड़ा मंत्रालय जो है वो इसके अंतर्गत काम करेगा, मिशन डायरेक्टरेट के अंतर्गत. अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है तो ये देख लेते हैं. इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा 4 years के लिए, है ना, ये स्टार्ट होगा आपका 2020-21 से, और चार कंपोनेंट्स पे काम करेगा. पहला जो कंपोनेंट है, इसमें फोकस किया जा रहा है R&D पे, इनोवेशन में, और इसमें जो आपका फंड की बात है वो 1000 करोड़ रुपए की है. जो दूसरा आयाम है इसका वो क्या है? दूसरा जो आयाम है कि तकनीकी जो वस्त्र है उनके लिए बाजार के प्रचार और विकास. तो मार्केट से उसको कनेक्ट तो करना, भैया आपने कोई सामान जो है वो बना लिया, कोई भी जो है आपका प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर कर लिया, तो मार्केट से भी तो लिंक करना होगा. एग्रीकल्चर से समझिए, फार्म टू मार्केट, है ना, लैंड टू मार्केट, ठीक है ना. तो वो एक सेकंड कंपोनेंट हो गया. तीसरा जो कंपोनेंट है, इसमें फोकस किया जा रहा है एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है ना. एक्सपोर्ट करने से हमको डॉलर में इनकम होती है, ठीक है ना. सो दैट टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री रीच फ्रॉम द 40,000 crores टू 20,000 crores. कब तक? 2021-22 तक. और एंश्योर करना है कि भैया 10% की एवरेज ग्रोथ हो एवरी ईयर टिल द मिशन एंड. चार साल का मिशन, तो जब तक जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाए, तो हर ईयर 10% की एवरेज ग्रोथ लेके चलना है जब तक ये मिशन कंप्लीट होता है. एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल विल बी सेटअप. तो ये जो काउंसिल है वो भी, उसकी भी स्थापना किया जाएगा. लास्ट जो चौथा कंपोनेंट है, शिक्षा से रिलेटेड है, ट्रेनिंग से रिलेटेड है, और कौशल विकास से, ये हर जगह आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है, ये आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड है. इसमें एक्सटिंक्शन रिस्क की बात की जा रही है लेपर्ड के संदर्भ में, जो नॉर्थ इंडिया में जो आपका आया है, है ना, ये आपका संज्ञान में आया है कि भैया उत्तर भारत में तेंदुओं के विलुप्त होने की खतरा है. एनवायरमेंट का आपका पार्ट हो गया. जीएस पेपर थर्ड है ये आपका. यहां पर ये पैंथर पार्डस बोला जाता है इसको. ये आपका 83% इंक्रीज हुआ है रिस्क इनके एक्सटेंशन का नॉर्थ इंडिया में ड्यू टू रोड किल. अब किसके कारण? यही पर स्टेटमेंट बना देगा यूपीएससी. रोड किल अकॉर्डिंग टू अ न्यू इंटरनेशनल स्टडी दैट क्वांटिफाई किया उसने थ्रेट पोस्ड बाय रोड टू द सर्वाइवल ऑफ एनिमल पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड. तो देखेंगे आपकी जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वहां पे बोलते हैं कि लाइट एकदम से उनके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, हॉर्न नहीं मारना है, है ना. और रोड वगैरह में एक्सीडेंट तो इंसानों का ही होता रहता है, जानवर तो बेचारे उनसे परेशान है ही, ठीक है ना. तो संसाधनों पर दबाव हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो लोग जंगल की तरफ भी जो है एग्रीकल्चरल लैंड बनाना, रिसोर्ट बनाना, ये सब आप लोग यहां से कनेक्ट कर सकते हैं. अब की पॉइंट क्या है इसका? तो यहां पर स्टडी जो की गई है, पब्लिश की गई किसके द्वारा? तो जर्नल ग्लोबल इकोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी है, ये याद रख सकते हैं आप लोग. अब इसके फाइंडिंग्स क्या क्या है? तो लेपर्ड फेस कर रहे हैं 83% रिस्क जो है इंक्रीज हो गया इसके एक्सटेंशन का, कहां पर? नॉर्थ इंडिया में. और एक ही मेन यहां पर कारण दिया गया, रोड किल. लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है उत्तर भारत में, ये हाईएस्ट रिस्क में है अमंग 4 एनिमल पॉपुलेशन आइडेंटिफाइड एज बीइंग द मोस्ट वल्नरेबल टू एक्सटेंशन इन द नेक्स्ट 50 years इफ ऑब्जर्व्ड रोड किल लेवल्स परसिस्ट. अब यहां पर वल्नरेबल ये हो चुके हैं, क्या कारण है, है ना. तो ये चार स्पीसीज है, तो आप इसको देख जाइएगा, यहां पर कंपेयर करके बताया गया है, ठीक है ना, आप देख जाइएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखेंगे कि जो तेंदुआ है, तेंदुओं के बाद अगर बात करें तो सबसे जो जोखिम युक्त श्रेणी में
कौन है? तो मानव युक्त भेड़िया है, है ना, इसको ऐसे समझिए, मैंड वोल्फ। आप इसको एनवायरमेंट की टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में ही देखिए, एंड द लिटिल स्पॉटेड कैट बोथ ऑफ ब्राजील एंड द ब्राउन हाइना ऑफ सदर्न अफ्रीका, है ना। तो इसको याद रख सकते हैं, एनवायरमेंट की ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपके बनाए जा सकते हैं। इसके बाद 83% जो है रिस्क इंक्रीज हुआ है, ये बार बार यहां पर बताया जा रहा है। तो इसके बाद उत्तर भारतीय तेंदुए की आबादी जो है इस हिसाब से अगर इसी तरीके से जोखिम बना रहा तो 33 वर्षों में जो है ये आपके एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अब ये जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। अब इसके बाद IUCN के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, तो इसके द्वारा जो सड़क दुर्घटना को जो 10 आपके मैमल्स है, स्तनधारी जो स्पीसीज है, उनके लिए भी खतरे के रूप में उनको मान्यता दे दी गई है। लेकिन जो ये स्टडी है इसमें यह भी बोला गया है कि उपरोक्त मान्यता में विलुप्ति के लिए जो सबसे सुभेद्य वल्नरेबल जीवों को शामिल नहीं किया गया है। अब यहां पर नीड ऑफ दिस स्टडी, मतलब इस स्टडी की ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भैया समझिए कि इसी अध्ययन के परिणाम के अनुसार जो है दुनिया भर में स्तनधारी संरक्षण और सड़क शमन जो है उसके निहितार्थ उसमें सम्मिलित है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है ये आपका। इसके बाद ये जो एनालिसिस है ये आपका अटेंशन भी, भाई अगर स्टडी आई, कोई डेटा आया तो उससे पूरे विश्व की जो है वहां पर अटेंशन भी तो बढ़ेगी। अटेंशन टू सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ जो ईस्टर्न एशिया है एज रीजंस वेयर रोड्स कैन लीड टू लॉस ऑफ मैमेलियन बायोडाइवर्सिटी एंड दस एरियाज वेयर फ्यूचर रोड डेवलपमेंट एंड रोड मिटिगेशन नीड टू बी केयरफुली कंसीडर्ड द पेपर सेज। तो सीधी बात है कि जहां पर रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पर अगर हम देख रहे थे इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी पे, जैव विविधता पे अगर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो अगर इस तरीके का हमको पहले से ही डेटा मिल जाएगा तो जब हम नया कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इसको संज्ञान में लेके उस तरीके से सुरक्षा के आयामों को वहां पर सन्निहित करेंगे, सीधी सी बात है। और बायोडाइवर्सिटी अगर आपकी किसी भी तरीके से नेगेटिव अगर उसमें इंपैक्ट पड़ता है तो पूरा का पूरा फूड चेन, पूरा का पूरा इकोसिस्टम, पूरा का पूरा आपका एनवायरमेंट नेगेटिवली इंपैक्ट होता है। ठीक है ना। अब तेंदुए के बारे में यहां पर कुछ कॉन्टेक्चुअल जानकारी बताई जा रही है, ये पूछा जा सकता है आपका। साइंटिफिक नेम क्या है पहले ही बताया मैंने आपको, पैंथेरा पार्डस है, और ये लिस्टेड है आपका शेड्यूल वन में किसके अंतर्गत, वाइल्ड लाइफ जो आपका प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का। इसके बाद इसको इंक्लूड किया गया है अपेंडिक्स वन में साइट्स। अब बताइएगा साइट्स किसका है ना, किसका इनिशिएटिव है। इसके बाद लिस्ट जो है आपका वल्नरेबल में रखा गया, इसको IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट निकलती है, रेड लिस्ट है। इसके बाद लेबर जो है आपका वो स्मॉलेस्ट है, किसमें, जो बिग कैट्स की फैमिली है ऑफ जेनस पैंथेरा, नेमली द टाइगर, लायन, जगुआर, लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड, है ना, हिंद तेंदुए वगैरह के बारे में आपने सुना होगा। एंड नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू अडेप्ट इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट। सो इसके अंदर एक खासियत पाई जाती है कि ये वैरायटी विविध तरीके के आवासों में भी अनुकूलन की क्षमता है इसके अंतर्गत, होता है ना कि जैसे बोलते हैं कि कोई अगर कोई स्पीसीज एक जगह पाई जा रही है उसको उठा के अगर दूसरी जगह आप सोचो कि शिफ्ट कर दें तो फिर वो एक्सटिंक्ट वगैरह होने लगती है, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, पर इनके अंदर ये स्पेशल फीचर है इस एडेप्टेशन का। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें ये भी देखा जा रहा है, इट अकर्स इन अ वाइड रेंज इन सब सहारन अफ्रीका इन स्मॉल पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं, टू साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, देख जाइएगा, कॉन्टेक्चुअल जानकारी है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है ये आपका रिलेटेड है MCQs से। ठीक है, तो पहला जो यहां पर क्वेश्चन है आदि जो आपका क्या है, अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस से रिलेटेड यहां पर स्टेटमेंट है और इसके बारे में बताना है कौन सा ट्रू है। पहला ये कि हर साल इसको 10 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है दुनिया भर में, रेडियोलॉजी के अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में। तो भैया पहला ही यहां पर गलत हो गया स्टेटमेंट, ये आपका 8 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, तो इसको एलिमिनेट कर देते तो वैसे भी आंसर मिल जाता है। दूसरा जो है कि इसका पर्पस क्या है, तो भैया जो आपका इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है तो इसका पर्पस क्या है, तो रेज करना है पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियोलॉजी इन प्रोवाइडिंग सेफ पेशेंट केयर और इंप्रूव करना पब्लिक नॉलेज रिगार्डिंग क्रिटिकल रोल दैट रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर्स प्ले इन द हेल्थ केयर सिस्टम। इसके बाद पहला जो वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे मनाया गया था वो 2012 में मनाया गया था, तो ओनली सेकेंड एंड थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो आदि शंकराचार्य जी थे, है ना, आदि शंकराचार्य, उनके बारे में स्टेटमेंट दिया गया, भक्ति काल वगैरह में देखते होंगे आप लोग, तो इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला जो यहां पर लिखा गया स्टेटमेंट कि ये आपके आदि शंकरा जो थे आपके, है ना, आदि शंकराचार्य, उनका जन्म जो है 11th May 788 AD में हुआ था, कहां पर, कलाडी में, नियर कोची केरला। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा अद्वैतवाद, है ना, जो आपका आत्मा शरीर, है ना, जो आपका मोक्ष के बाद में आप पुष्टि मार देखते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं इसमें बाइफर्केशन, तो द्वैत और अद्वैत, तो अद्वैतवाद के सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया था और संस्कृत में वैदिक सिद्धांत
उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता, इस पर इन्होंने टिप्पणियां भी लिखी है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो आपका स्टेटमेंट है कि ये विष्णु के भक्त थे, तो बिल्कुल गलत है ये आपका। ये शंकर जी के भक्त थे, है ना, आप साउथ में वो भी देखते होंगे, ठीक है ना। वैष्णव को जैसे अलवार और जो आपके नयनार थे, बताइएगा अलवार वैष्णव थे कि नयनार वैष्णव थे, कि नयनार शैव थे कि अलवार शैव थे, बताइएगा शैव कौन थे और वैष्णव कौन थे अलवार और नयनार में आपके, ठीक है ना। तो ये अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और ये शंकर जी के भक्त थे, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ऑनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में जो इंडियन आपका फ्लैपशेल जो आपके क्या है, फ्लैपशेल जो टर्टल्स है, टर्टल्स और टॉर्टोइज में क्या फर्क होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये जो है आपका, इसके संदर्भ में स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा ट्रू है। तो जो इंडियन फ्लैपशेल टर्टल है वो आपका फ्रेश वाटर स्पीसीज है टर्टल का, और ये पाया जाता है बहुत सारे राज्यों में, बिल्कुल ठीक है। ये आपके और भी पाए जाते हैं देशों में, पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में, मेनली इंडस और गैंगट जो आपका गैंगेटिक ड्रेनेज है ना, गंगा का जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है उसमें, और म्यांमार में जो इरावडी है और सलवीन जो आपकी रिवर है वहां पर, सलवीन जो नदी है उसमें पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा जो है कि जो फ्लैप शेल्ड आपका है उसका जो नाम है, देखिए इसको समझिएगा, स्टेम्स फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ फेमोरल फ्लैप्स होती है इसमें, लोकेटेड ऑन द प्लास्ट्रोन, दीज फ्लैप्स ऑफ स्किन कवर द लिम्स व्हेन दे रिट्रैक्ट इनटू द शेल। तो ऑल ऑफ द अबव है यहां पर, है ना, ये नरम जो आपकी खोल वाला कछुआ है ना, अपेक्षा कर थोड़ा छोटा होता है, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा, ये इसकी पिक्चर भी है, इसको आप देख सकते हैं, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा जा रहा है कि जो वन्नी आर है ना, उनके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा ट्रू है। आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है आपका, इंपॉर्टेंट है। ये आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंसोलिडेटेड बैकवर्ड कम्युनिटीज है इन केरला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बिल्कुल ठीक है, पहला इसने रेज किया, जो यहां पर रेज हुआ मैसिव प्रोटेस्ट किस दशक में, तो मिड 1980s में, और उन्होंने डिमांड किया 20% रिजर्वेशन इन द स्टेट एंड 2% इन सेंट्रल सर्विसेस, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने इसको क्या किया, जो सबसे पिछड़ी जनजाति है वहां की, ये एक तरीके की जो एमबीसी लिखा गया यहां पर वन्नियार, उसको तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रदान किया गया जो 10.5% का विशेष आंतरिक आरक्षण जो था उसको उसने रद्द कर दिया था, ठीक है ना। तो रद्द कर दिया है तो बिल्कुल ठीक है। तीनों स्टेटमेंट जो यहां पर दिए गए हैं वो बिल्कुल ठीक है, और समेकित रूप से देखें तो ये पिछड़े समुदायों में से एक है और तमिलनाडु से संदर्भित है, है ना। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।